नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हमारी नीट की रिवीजन की कड़ी में बातें हो चुकी है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी। इसका आपको अभी तक कर लेना चाहिए था बुकलेट की जो आपने पहले सवाल सॉल्व कर रखे, यानी कि बुकलेट जो आपने पहले पूरी सॉल्व कर रखी उसको दोबारा से, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं उसको आपको दोबारा करना चाहिए था, और आपको करना चाहिए था प्रीवियस ईयर तमाम, है ना। और क्या करना चाहिए था, आपको दी गई थी रिविजन के लिए एक बुकलेट, आपको उसमें से वो वाले चैप्टर के सवाल सॉल्व करने चाहिए थे और उसका डिस्कशन आपको करना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं, मतलब ये हर एक चैप्टर में आपको यही सब चीजें करनी है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। साथ में आप जो आपकी बुकलेट है यानी कि जो नोटबुक है उसको आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पहले आपको पढ़ाया गया है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, नया वाला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। बहुत ही आसान है, कोई बहुत परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें, इससे पहले हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। वहां पे हमने पढ़े लीनियर वेरिएबल्स, यानी किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है और वो पैरामीटर थे हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिनको अपन लीनियर वेरिएबल्स कहते थे। तो यहां पे आने के बाद में बॉडी हमारी घूमने लग जाएगी, यानी कि रोटेशनल मोशन करने लग जाएगी। रोटेशनल मोशन आप जानते हैं क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक्सिस के अबाउट बॉडी का हर बिंदु क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर बात करें तो वो पॉइंट क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। और जिस एक्सिस के अबाउट ये होता है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेशनल मोशन, है ना। और अगर बॉडी चल भी रही हो, घूम भी रही हो, तो फिर उसको क्या बोला गया, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अपन CTR से बढ़ने से पहले यहाँ पे बातें करते हैं कि एक पॉइंट जो है वो एक्सिस के अबाउट या एक पॉइंट के अबाउट जो है वो घूम रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब सर्कल क्या होता है ये आप जानते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के जो लोकस है सारे पॉइंट्स का, यानी ऐसे पाथ के अलॉन्ग जो बॉडी मूव कर रही होगी इस टाइप के पाथ को, यानी जो सर्कुलर पाथ होगा उसके अलॉन्ग अगर बॉडी की मोशन हो रही होगी उसको प्यार से क्या बोला गया, सर्कुलर मोशन। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। पहले अपन लीनियर वेरिएबल्स पढ़ के आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर यहां पे बात करें तो हमारे पास इस वाले चैप्टर में हमारे पास होंगे कुछ नए वेरिएबल्स, और ये है एंगुलर वेरिएबल्स। इनका नाम क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स। अच्छा भाई साहब क्या क्या है ये, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर अपन बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंड देन बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये तीनों बातें जो है अपन नहीं सीखते हैं यहां से, इससे पहले अपन ने नहीं सीखी होगी। मैं थोड़ा बहुत फास्ट तेज रफ्तार से इनको सारों को बता रहा हूं, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि थीटा जो है वो अपन मेजर करते हैं रेडियन में, करते हैं नहीं करते, लाला करते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि मैं ये बात करूं ये थीटा की, तो ये मान लो आर की लंबाई एल है, रेडियस आर है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल बटा आर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बटा आर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया भाई साहब, आर की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, यानी राइट हैंड का सदुपयोग करना पड़ेगा, यानी राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर लीजिए अलोंग द पाथ, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये आप अजीब टाइप का एक वेक्टर पाएंगे जिसमें आप बोलिए अच्छा बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी गई है, यानी ऐसे गई है बॉडी आपकी, ऐसे गई है, और आप राइट हैंड की फिंगर्स को उसके अलोंग कर्ल कर रहे हैं, तब आपको थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थोड़ा अलग टाइप का वेक्टर है, और इस तरह के वेक्टर को प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कैसे वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, है ना। इनकी डायरेक्शन कैसे पता की जाती है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए आप पाथ के अलोंग, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, है ना। तो अगर आप मैं ध्यान से देखें तो एक पार्टिकल यहां से यहां घूम के आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, 2 पाई आउटवर्ड।
दो बार घूम गया तो क्या होगा, 4 पाई आउटवर्ड। फिर अगर ऐसे घूम के आ गया तो वो फिर ऐसे ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे कर लीजिए अंदर की तरफ आ जाएगा 2 पाई, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो आपको पता लगेगी वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही आसान चीज है, फिर भी मैंने एक बार आपको दोबारा बता दी। आइए आगे बढ़ते ही, फिर अगर आप ध्यान से देखें तो अपन जानते हैं वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अरे हाँ कि नहीं यार, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या होगा, मैंने कहा वहां पे था भैया डीएस बाई डी टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अच्छा दूसरा वाला जो आइटम है हमारे पास वो है एंगुलर वेलोसिटी और ये है आपका डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, अगर आप ऐसे बोलें तो ये आपका हो जाएगा रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड से आपको क्या मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, तो बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार हो। अच्छा एक चीज अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि आपसे बोले, मान लो कि आपसे मैं ऐसा बोलूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे ये पूछूं भाई साहब कि मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास क्या है एक रॉड है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार हो, मैंने इस रॉड को यहाँ पे रखा है, ऐसे रख दिया। अच्छा मान लीजिए कि ये वाला एंगल क्या है 53 डिग्री है, रॉड की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, रॉड का ये बिंदु का नाम अनिता है, ये वाले का नाम बबीता है, यानी ए एंड बी है। मान लीजिए ये वाला बिंदु यानी ये वाला पॉइंट जो है इधर की तरफ प्रस्थान कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा ओहो एक आदमी है जो बी पे बैठा है, या चीटा बनके कहां बैठ गए हैं बी पे, तो क्या आपको यह पूछा जा सकता है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या यह पूछा जा सकता है? इनका बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या सर्कुलर कर रहा होगा ग्राउंड से, नहीं ना कुछ और कर रहा। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई साहब एक है, एक भाई साहब है जो रोड पे ऐसे जा रहे हैं लगातार, मान लो कि ये गाड़ी लेके इधर की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और 5 मीटर की दूरी पे मैं यहाँ खड़ा हूं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कार है, ये आइटम ए है? आप बताइए कि ओमेगा ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, बेसिकली ओमेगा आपको क्या बताता है? आप ऐसे इसको देख रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, थोड़े टाइम बाद में ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो है ये एंगल थीटा वेरिएबल होता हुआ दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा यार, पर टाइम के साथ जो है ये थीटा वेरी कर रहा है, यानी आपको मुंडी घुमानी पड़ रही है, आपको क्या करना पड़ रहा है मुंडी घुमानी पड़ रही है, और वो जो टाइम के साथ मुंडी घुमाने की रेट है वही आपको क्या बताएगा ओमेगा बताएगा। बहुत डेप्थ में हमने पहले इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में बातें कर दी है, बस आसान भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि थीटा ओमेगा और अल्फा जो है अब वो सर्कुलर में ही अटैच किए जाए, अरे भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या ओमेगा थीटा और अल्फा सब डिफाइन किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अब बहुत ज्यादा डेप्थ में मैंने ऑलरेडी हम चले गए हैं, वो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है अगर आप बहुत डेप्थ में भी पढ़ना चाहें, और बाकी जो है कॉन्सेप्ट की बात मैं आपको यहां बताऊंगा, एक आध दो सवाल देखेंगे और फिर आप जो है जो भी आपको बताया मैंने वो सारा वाला होमवर्क आप करेंगे, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो आपसे कोई बोले कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए तो बताया जा सकता है, हमें निकालना चाहिए या हमें आना चाहिए या फिर मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूं, मान लो कि मैं आपको ऐसा सवाल पूछ लूं, मैं आपसे बोलूंगी ये धरातल है, ये क्या है ये धरातल है, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया मेरे पास एक बॉल है, मैंने कहा ठीक है बॉल को मैंने रफ्तार दे दी है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की और ये एंगल है मान लो 53 डिग्री, क्या है 53 डिग्री, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बॉल क्या करेगी प्रोजेक्टाइल करती हुई भागती हुई ऐसे जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टक से ऐसे गिर जाएगी, क्या बोलते हो है कि नहीं यार? अच्छा ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा और ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे बॉल जाके हिट कर रही होगी। आपसे कोई पूछे कि फाइंड द ओमेगा ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कब बताना है टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू, यानी कि बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, बॉल कहां पे होगी जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तब यहां खड़े आदमी को उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी लगेगी, यानी उसको देखने के लिए जो मुंडी घुमाने की रेट, यानी जो मुंडी की जैसे करने के लिए जो थीटा है डिवाइडेड बाई टाइम वो रेट कितनी होगी। अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया पहला सवाल मैंने आपसे इसमें पूछ लिया, दूसरा इसमें और भी पूछा जा सकता है, ये बहुत मतलब इसी तरह के सवाल आते हैं नीट वीट में, बहुत आसान टॉप मोस्ट पॉइंट में बता दीजिए हिट कर रहा है तब बता दीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो है
यहाँ पे जाके गिर जाएगा। तो आपको बोला है कि ओमेगा और बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, यानी जस्ट टी जो है कैपिटल टी के बराबर हो गया उस वाले टेम टाइम में जब हिट कर रहा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए इसका बॉल का किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो एकदम लल्लू बल्लू सवाल जो है आप कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि बेसिकली हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास होती है वेलोसिटी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो आर होती है, और उसके परपेंडिकुलर जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो आपको ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मानना है ना, और पॉइंट जो जिस पॉइंट का निकालना है उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ डाल दीजिए डिवाइडेड बाई बीच की दूरी कर दीजिए, तो आपको ओमेगा आता हुआ दिखाई देगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखिए सिर्फ सर्कुलर की बात करें मान लो कि ये वी रफ्तार से जा रहा है और ये ओमेगा से अपन घूम रहे हैं, तो हमने ये साबित किया था कि वी हमारा क्या आ रहा है, ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, यानी इस एक्सिस के अबाव ये पॉइंट के अबाव ये घूम रहा है, ऐसा ओमेगा क्या आ गया था आपका वी बाई आर। वी आर क्या है, बीच की परपेंडिकुलर दूरी है, ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट वी से चल रहा है, तो रिलेटिव रफ्तार भी वी आ गई है, यानी वी बाई आर आपके लिए ओमेगा आ गया था। तो अच्छा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आपको याद रहेगा क्या, इसमें बिल्कुल कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बाकी वेक्टर फॉर्म भी आप जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा है आपके पास बी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई आर है। आइए इस सवाल में इसको अप्लाई करते हैं सॉल्व करते हैं ये वाला सवाल। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आपको ए की रफ्तार दी हुई है बी के बारे में जानकारी आपसे पूछी है, यानी कि बी पे आप बैठे हैं तो आपको ए का एंगुलर वेलोसिटी क्या नजर आएगा, बी की रफ्तार नहीं दी है, क्या हम पता कर सकते हैं कि बी की रफ्तार क्या होगी, क्या यूज करना पड़ेगा भाई साहब हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा, तो क्या हम बी की रफ्तार पता कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पता की जा सकती है, हम जानते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रॉड जो है दो पॉइंट की रिलेटिव रफ्तार जीरो होनी चाहिए, यानी रफ्तार सेम होनी चाहिए। अच्छा इसका मतलब ये जो रफ्तार है वो इसके बराबर होना चाहिए, और बी बी वाले का जो रफ्तार होगा वो रियलिटी में मतलब नीचे की तरफ होगा, तो मैंने इसको वीवी बोल दिया, और ये वाला एंगल आपके लिए हो जाएगा 37 डिग्री, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा VB cos 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू, ये वाला एंगल आपके लिए हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये अलोंग द रॉड वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री, क्या आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री, यानी कि VB cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 10 cos 53 डिग्री। उनका अच्छा भाई साहब इससे क्या मिल जाएगा, आपको VB मिल जाएगा। उनका अच्छा अगर आप ध्यान से देखें VP into cos 37 degree हो गया है आपके लिए 4/5, that is equal to 10 into 3/5, 5 ने 5 की बत्तियां गुल की, VP की वैल्यू आ रही है आपके लिए 30 divided by 4, यानी कि इसको मैं ले सकता हूं 15/2 meter per second, यानी हमें रफ्तार मिल गई है, लेकिन हम सिर्फ रफ्तार में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भैया परपेंडिकुलर वाली रफ्तार मिल जाए और उससे भी रिलेटिव निकाल लें, है ना। अच्छा तो अगर 10 के कंपोनेंट हम लें तो ये वाला कंपोनेंट आपके लिए हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, जो कि हो जाएगा 3/5 हो गया है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 8, हम इसी में इंटरेस्टेड हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 10 cos 37 डिग्री, यानी कि 10 into 4/5 8 आ गया है। अच्छा अब हमें वीवी पता है, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, है ना, क्या हो जाएगा ये वाला हमारे लिए, ये वाला हो जाएगा VB sin 37 डिग्री, VB आपका है 15/2 sin 37 डिग्री क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कोस होगा, तो परपेंडिकुलर वाला साइन ही होगा ना यार, है ना, sin 37 डिग्री हो गया आपके लिए 3/5, तो यहां से क्या हो गया है, ये हो गया 3, यानी कि 9/2, क्या आ गया है 9/2 meter per second। अच्छा बहुत बढ़िया, हमने दोनों की रफ्तार हमें पता है, और अब हमें दोनों का
परपेंडिकुलर वाला रफ्तार भी पता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ओमेगा निकालने के लिए परपेंडिकुलर वाले का भी रिलेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या ए के रेस्पेक्ट में बी निकालें कि बी के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव निकालें? भैया आपको आपका ऑब्जर्वर कहां बैठा है? बी में, तो आपको तो आप तो रुके हुए रखेंगे ना यार। ओहो, तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि आप बी पे बैठे हैं तो आप अपनी रफ्तार को उल्टा करके किसको देंगे? इसको देंगे, तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा ना। 8 ऑलरेडी है, उसमें और क्या ऐड कर देंगे? 9/2। और क्या ऐड कर देंगे? 9/2। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आपके लिए जो भी परपेंडिकुलर रिलेटिव है वो आ जाएगा 8 + 9/2 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दूरी, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दूरी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर दूरी आपके लिए क्या दी हुई है सवाल में? 10 मीटर यहां पे परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी। और चाहिए आपका हो गया है 16 + 9, ठीक है, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 5/4 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कोई बहुत टफ चीज नहीं ओमेगा निकालने वाला, मास्टर इसलिए बता रहा है कि इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको। सस्ता वर्जन होता तो मैं ऐसे पूछ लेता कि एक पॉइंट रुका हुआ होता और दूसरे की रफ्तार दी होती तो आप कर लेते, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। क्या उम्मीद है कि आप इसको भी आराम से कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 10 cos 53 degree 3/5 होगा, होगा कि नहीं होगा यार? तो ये आइटम आपके लिए 6 आ जाएगा, ये वाला आइटम क्या होगा? 8 आएगा। अब आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप आएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप जब आएंगे तो ये वाला कंपोनेंट 6 एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर वाला निपट जाएगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल में रफ्तार क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अच्छा, जब आप दोबारा हिट करने के लिए जमीन पे आ जाएंगे तो ये 8 जो है वो नीचे की तरफ 8 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला क्या रहेगा? इधर की तरफ 6 रहेगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपसे पहला सवाल पूछा है ए में, ये वाले पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। मैंने कहा अच्छा, आपको क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखें, तो ये है आपके लिए परपेंडिकुलर दूरी, ये क्या है? परपेंडिकुलर दूरी है। और आपके पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ ऐसी है, कौन सी है? ऐसे हॉरिजॉन्टल है। आपका इंटरेस्ट क्या है? इस परपेंडिकुलर, इस दूरी के, यानी ये कैपिटल आर है, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना, क्योंकि इसकी तो 0 है। अरे ये तो रुका हुआ है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी मूव कर रहा है, वहीं यहां खड़ा होकर बॉल को देख रहा है, तो वो पॉइंट तो रुका हुआ है ना, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ये आपका आर हो गया है। अब आपको आर कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि मास्टर ने एक ही सवाल टफ ले लिया है। ये वाला आपके लिए हो जाएगा एच मैक्स, ये क्या हो जाएगा? एच मैक्स। और ये क्या हो जाएगा लल्ला? R/2। तो क्या आप R पता कर लेंगे? मैंने कहा हाँ। ओहो, एच मैक्स का स्क्वायर प्लस R/2 R रेंज है बे, एच मैक्स आपको पता है उन, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लेंगे तो R पता लग गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब हमारा ओमेगा होगा 6 का कौन सा वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि किसके परपेंडिकुलर हो? इसके परपेंडिकुलर हो, यानी ये वाले कंपोनेंट में हम इंटरेस्टेड हैं। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे पता करेंगे वो वाला कंपोनेंट? अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपके लिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर वो वाला कंपोनेंट थीटा हो जाएगा तो ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा? 90 - थीटा होता है भैया। हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है तो ये आपका 6 हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा हो गया है, परपेंडिकुलर के साथ उसका एंगल 90 - थीटा हो जाएगा। कुल मिला के बात ये कि 6 cos थीटा जो है वो आपका अलोंग इससे हो जाएगा। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किसमें है? 6 sin थीटा। किसमें है? 6 sin थीटा। मैंने कहा अच्छा, अब आप ध्यान से देखें तो ओमेगा अगर आपको यहां निकालना है तो 6 sin थीटा डिवाइडेड बाई आर होगा और आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एच मैक्स, एच मैक्स का स्क्वायर प्लस रेंज डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आप सोचिएगा कि भैया साइन थीटा कैसे पता करिएगा? साइन थीटा पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा ये वाले ट्रायंगल से पता कर लो। साइन थीटा यहां से आपका हो जाएगा एच मैक्स डिवाइडेड बाई
कैपिटल आर एच मैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और कैपिटल आर कैसे 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 प्राप्त करिएगा, कैपिटल आर आपके लिए हो जाएगा, कैपिटल आर आपके लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच मैक्स का, यही है ना कैपिटल आर, तो है कैपिटल आर तो है यार, ये एच मैक्स का स्क्वायर प्लस आर बाई टू का स्क्वायर है ना। तो बहुत आसान सा केस है। अब आपको बी वाले में जब पूछा जाएगा ओमेगा, बी वाले में जब पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, ओमेगा कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने कहा ये वाली दूरी तो आपके लिए आर हो जाए। बी वाला थोड़ा आसान है क्योंकि ये दूरी आपका रेंज हो गया है, क्या हो गया है रेंज हो गया है, और वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाली है वो एट है ना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा एट डिवाइडेड बाई आर, और आर में क्या डाल देंगे आप रेंज डाल देंगे है ना, और ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट क्या है रुका हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप क्या निकाल लेंगे ओमेगा निकाल लेंगे। मैंने आपको दोनों टफ सवाल बताए, इसे इजी आएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो अगर अपन बात करें एंगुलर वेरिएबल्स की तो थीटा क्या होता है ओमेगा क्या होता है ये आपको समझ में आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं अपन अल्फा, किसका अल्फा का, अल्फा क्या है मैंने कहा ये है भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा वहां पे थी लीनियर एक्सेलरेशन, मैंने कहा हाँ क्या होती थी, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती थी, यानी कि वी इज डीवी बाई डीटी आपको क्या क्या देता था, वो आपको देता था एक्सेलरेशन। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी आपको क्या देगा अल्फा देगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड, यहाँ पे अल्फा की बात करेंगे तो वो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं यार, थीटा थीटा में बात करें तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt स्क्वायर है ना भाई साहब, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें कि एक भाई साहब है यानी एक पार्टिकल है तो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए कि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, अपने बहुत इज्जत से इसका डेरिवेशन किया है। अगर आप ध्यान से देखें मान लो कि ये पार्टिकल जो है यहाँ पे थीटा पे है या इसकी रफ्तार वेलोसिटी v है, अगर हमें एक्सेलरेशन प्राप्त करनी होती थी तो हम क्या करते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है हमें आपको हमें ये क्या देगी हमें नेट एक्सेलरेशन देगी, जो पार्टिकल की नेट एक्सेलरेशन देगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज, कुछ भी इन दोनों में से एक भी हो जाए तो भी वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार। अब अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू आती है रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल, यानी दोनों हो सकते हैं, रेडियल भी हो, रेडियल तो होगी होगी, टेंजेंशियल हो भी सकती है नहीं हो सकती है। अगर आपको याद हो तो ये रेडियल एक्सेलरेशन जो है अगर अपन सर्कुलर की बात करें तो हर पॉइंट पे टुवर्ड द सेंटर आता है, प्यार से इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और बगैर इसके सर्कुलर हो ही नहीं सकता, और इसका काम क्या है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, हर मूवमेंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो मैग्नीट्यूड वो कभी नहीं बदल सकती पर हाँ वो डायरेक्शन बदल सकती है। तो एआर आपका जो है वो सर्कुलर पाथ में घुमाने में काम आता है, वो कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या ऐसा सर्कुलर मोशन हो सकता है कि एआर हो ही नहीं, मैंने कहा नहीं, हाँ एक आध पॉइंट ऐसे हो सकते हैं बॉब वगैरह में हमने बात की कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो रुक जाएगा, जैसे अपन बॉब की बात करें एक्सट्रीम पॉइंट पे उसका ओमेगा क्या हो जाएगा जीरो, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो। तो हाँ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो पार्ट ऑफ सर्कुलर हो जहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन भैया बगैर रेडियल एक्सेलरेशन के आप सर्कुलर पूरे पाथ पे जा नहीं सकते, यानी अगर बॉडी सर्कुलर कर रही है तो रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या है मस्ट है। मैंने कहा अच्छा भाई कितना होता है रेडियल एक्सेलरेशन, कितना होता है बताइएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपके लिए हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर या ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ भी आप बोल दीजिए। डायरेक्शन मैंने कहा हमेशा टुवर्ड द सेंटर, काम क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। दूसरा और क्या ये मस्ट है, मैंने कहा हाँ ये मस्ट है, इसके बगैर सर्कुलर हो ही नहीं सकता। अच्छा और कौन सी एक्सेलरेशन है, मैंने कहा वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो आपका अल्फा इनटू आर आती है, अल्फा आप जानते हैं कि वो है डी ओमेगा बाई
डी टी। अच्छा ये क्या चीज है, ये आपके स्पीड के चेंज होगा कि नहीं होगा वो बताती है, यानी कि ए टी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, यानी कि ए टी जो है किसी पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी ऐसे है तो या तो ए टी इधर होगी या जीरो होगी। अगर इधर हुई यानी वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में, तो भैया उधर की तरफ वेलोसिटी, उधर की तरफ एक्सेलरेशन, क्या स्पीड बढ़ेगी, क्या स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा ये स्पीडिंग अप का केस होगा, यहां पे स्पीड बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी कम होगी, है ना, वेलोसिटी कम होगी। और ये जो दोनों केस है इन इन वाले केस में वेलोसिटी यानी मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड क्या होगी, इस वाले केस में बढ़ जाएगी, इस वाले केस में कम हो जाएगी। और इस केस में वो सर्कुलर कर रहा होगा, उसको प्यार से क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि स्पीड चेंज होती है, यानी कि इसमें स्पीड चेंज होती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एक केस ऐसा है जिसमें एटी हो ही नहीं, मैंने कहा एटी जीरो, एटी क्या हो, जीरो हो, एटी जीरो हो, इसका मतलब क्या है, एटी इज बेसिकली अल्फा आर है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कहीं आप बोल दो ए इज इक्वल टू अल्फा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं होता है, एटी इज इक्वल टू अल्फा आर होता है। ए तो बेसिकली जो है ये आपका जो ए है वो तो बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट है, वो तो दोनों का रिजल्टेंट है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एटी जीरो है इसका मतलब अल्फा जीरो है मतलब डी ओमेगा बाई डी टी जीरो है, इसका ओमेगा जीरो है। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ओमेगा कॉन्स्टेंट है। और क्या हो रहा होगा आपके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे उसको प्यार से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, जिसमें क्या हो, स्पीड कांस्टेंट रहे, उसको प्यार से क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप बताइएगा खुद ही कि मान लीजिए कि स्पीड कांस्टेंट है तो फिर तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वो तो आपका वी स्क्वायर बटा आर आ रहा है, टेंजेंशियल तो जीरो हो गई, बचा आपका रेडियल, रेडियल तो है वी स्क्वायर बटा आर, और आप बोल रहे हैं वी कांस्टेंट है तो फिर तो मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। क्या ये बात सत्य होगी, ये बिल्कुल गलत होगी, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा हर मोमेंट पे इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, तो आपकी पोजीशन चेंज होगी तो टुवर्ड द सेंटर वाला वेक्टर भी तो चेंज हो रहा होगा ना यार। हाँ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगी, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे ही बता रहे हैं आपको। अच्छा भाई साहब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, ये सब आपने समझ लिया। मान लीजिए कि एक गाड़ी है ऐसे, और वो चल रही है, इसकी रफ्तार है इधर की तरफ, इसकी रफ्तार क्या है, इधर की तरफ। अच्छा मान लीजिए वी रफ्तार है और ये रफ्तार बढ़ रही है, अगर ये रफ्तार बढ़ रही है तो मुझे बताइए कि क्या टेंजेंशियल है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में, और नेट एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, और नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स होगा, कहा इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर ये स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उधर की तरफ है, कौन सा वाला है, एटी ऐसा है, एआर हमें पता है कि टुवर्ड द सेंटर होगा, यानी ए नेट इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगा, यानी इधर की तरफ ही कोई नेट फोर्स लग रहा होगा। अबे भाई तो उसी को तो मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन आया है ना यार, रेडियल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देने के लिए जायज सी बात है कोई फोर्स होगा, फोर्स के बगैर काम चलने वाला नहीं है, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है। आगे जाके अपन बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक आइडिया लगा आपको कि भैया जो है दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है ना, वो है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल मस्ट है, रेडियल का क्या काम है, कितनी लगती है, ये हमें पता लग गया। टेंजेंशियल का क्या काम है, कितनी लगती है, इसका भी आइडिया हमें लग गया। सर्कुलर होने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन मस्ट है, रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है। बगैर रेडियल के भी क्या कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो सर्कुलर का पार्ट हो, मैंने कहा हो सकते हैं, लेकिन एक पूरा मोशन हो ही नहीं सकता सर्कुलर वाला बगैर रेडियल एक्सेलरेशन के। टेंजेंशियल अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जब वो जीरो होता है जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और जब वो होता है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। उस केस में स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाली सेम डायरेक्शन में है तो स्पीडिंग अप, और अपोजिट में है तो स्पीडिंग डाउन का केस हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इन छोटी छोटी बातों के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब कि यार एक छोटी सी चीज होती है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे तो रेडियस ले लिया, वी स्क्वायर बटा आर हो गया, है ना, आर क्या है, रेडियस है।
लेकिन बात अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे, कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्वेचर यानी कर्व वाले पाथ, कोई भी पाथ हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या हम उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ कुछ सवाल हमें देखने को कहीं कहीं मिलता है। एक छोटी सी बात करते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान से देखें, वैसे आप जानते हैं एक आध सवाल अपन लेंगे तो तुरंत आपके एक रिफ्रेश हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी खतरनाक तरीके से मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है हमारे काम का, जो नीट के लेवल की अगर बात करें तो उसमें अपन फिजिक्स वाले से काम हो जाएगा, है ना। हेडिंग डाल दीजिए अगर आप चाहें तो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताता है बेसिकली, ये कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का घुमाव के बारे में आइडिया देता है। मान लो कि हमारे पास इस तरह का कोई कर्व है ना, किसी पॉइंट पी पे अपन बैठ गए, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट पी जिस सर्कुलर से सर्कल का पार्ट होता है, इस सर्कल के रेडियस को ही प्यार से क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये इसका आरसी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैथमेटिकली भी नहीं निकाला जा सकता है, अगर हमें वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया हो तो किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1+1+ dy by dx, 1+ dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे मुझे याद है इसलिए बता रहा हूं, कोई काम की बात नहीं है आपके लिए, खास करके d2y by dx square जो है इसका मोड लेना है आपको, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का क्या है, हमें पता है कि अगर एक सर्कुलर पाथ है, हमें पता है कि सर्कुलर पाथ है, इधर की तरफ आपके पास AR हो गई है, ये आपके पास V है तो AR की वैल्यू होगी, ये आपके पास R है तो AR की वैल्यू होगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओ आर की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई AR। जरूरी है कि ये सर्कुलर ही हो, मैंने कहा नहीं, क्या कोई भी ऐसा रेंडम पॉइंट हो यहाँ पे, मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा भैया यहाँ पे अगर ये रफ्तार है v इसके टेंजेंशियल, तो एक्सेलरेशन जो है उसकी परपेंडिकुलर वाली है। एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर वाली है। तो अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन perpendicular to velocity जो component होगा उसका magnitude यहाँ पे डाल दीजिए, speed जो है velocity का magnitude जो है उसको square कर दीजिए, ये आपको देगा radius of curvature। क्या बताता है ये, किसी भी curve का घुमाव बताता है, जितना ज्यादा radius of curvature होता है, आप बताइए कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, ये एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होगा, यहाँ वाले के कम होगा, है ना। तो यहाँ घुमाओ ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ क्या है घुमाओ ज्यादा है, यहाँ पे घुमाओ कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। जैसे अगर आप बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो ये इनफाइनाइट रेडियस वाले सर्कल का पार्ट होगा, यानी एक फ्लैट सरफेस है या एक स्ट्रेट लाइन है, उसके किसी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई साहब इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है। अच्छा भाई साहब एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे पास क्या है, मैंने एक बॉल को फेंक दिया। मैंने कहा ठीक है, इस बॉल को मैंने इधर की तरफ रफ्तार दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला एंगल है 53 डिग्री, एंगल है आपके लिए 53 डिग्री। आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टक 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 ये बॉल ऐसे जाके गिर गई है, तो आपको पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता करना है। अच्छा भाई साहब इस तरह के खूब सारे सवाल आते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि भैया वहां की स्पीड की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मैंने कहा इधर होगी, इधर जीरो होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, ये वाली क्या होगी, मैंने कहा ये हो जाएगी 10 cos 53 डिग्री, क्या हो जाएगी 10 cos 53 डिग्री, यानी कि 3/5, है ना। अच्छा भाई साहब तो ये 6 आ गई है, ओहो, एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जी रहेगा, क्या रहेगा,
जी रहेगा हमेशा इसके पाथ में एक्सेलरेशन, तो जी है ना यार, हमेशा इसके पाथ में एक्सेलरेशन क्या है, जी है, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, आसान था इसलिए मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा, तब क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही होता है। तो बताइएगा क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाएगा आपका v का स्क्वायर यानी कि 36 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन यानी कि 3.6 मीटर, यानी कि आपके पास क्या हो गया है 3.6 मीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट p मान लीजिए ये 3.6 मीटर वाले सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और क्या पूछा जा सकता, मैंने कहा 1 मीटर कहीं भी पूछ ले यार, पहले आपको स्पीड निकालना है फिर एक्सेलरेशन, तो आपकी जी है, तो मान लो इस पॉइंट पे आपको पूछ लें, मान लो कि यहां पे बात करें तो वेलोसिटी ऐसी होगी है ना, एक्सेलरेशन क्या होगी ऐसी होगी, आपको क्या करना है एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट निकालना है जो इसकी स्पीड के परपेंडिकुलर है ना, वो टाइम आगे दिया होगा तो आप आराम से पता कर सकते हैं एंगल वेंगल बाकी सारी बात, क्योंकि हमें पता है कि इस पाथ में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही रहेगा, बाकी बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, जैसे मैं आपको वेलोसिटी दे दूं वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में दे दूं, मान लो कि भाई 3i के प्लस 4j कैप है, और मान लो कि एक्सेलरेशन दे दूं मैं 8i के प्लस 6j कैप, मैं आपसे बोलूं कि यहां पे मुझे बताइए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या आप बताएंगे, मैंने कहा v तो आपको पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे मैग्नीट्यूड निकाल के, आपको a रेडियल या परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड यहां पे डालना पड़ेगा, कैसे पता करते हैं है ना, अगर आपको याद हो कि ये आपका है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये आपका क्या है वेलोसिटी वेक्टर है, और ये मान लीजिए थीटा है, तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर सकते हैं अपन, एक अलोंग वाला ए अलोंग वाला, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, हालांकि वेक्टर की वेक्टर का सवाल टाइप का है, दो वेक्टर के कंपोनेंट लेने आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर्स के अंदर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन है बी का, और ए कॉस थीटा को मैं ए डॉट बी लगा के इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, a डॉट v कैप इनटू v कैप, ये आपको क्या देगा, ये आपको पैरेलल वाला एक्सेलरेशन दे देगा, किसके पैरेलल वाला, ये वेलोसिटी के अलोंग वाला यानी टेंजेंशियल वाला, और ये है परपेंडिकुलर जो हमें चाहिए, फिर उसका चाहिए मैग्नीट्यूड है ना, कैसे पता कर सकते हैं, हमें पता है कि a पैरेलल प्लस a परपेंडिकुलर, v तो बेसिकली a है, तो अगर हमें a परपेंडिकुलर चाहिए a में से घटा देंगे a पैरेलल, और a पैरेलल है a डॉट v कैप इनटू v कैप है ना, मैंने कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट लिए डर मत, अरे मैग्नीट्यूड होगा a cos थीटा यानी a into 1 into cos थीटा है ना, तो इस डायरेक्शन में v कैप लिया मैंने, a डॉट v कैप को मल्टीप्लाई करेंगे a into 1 into cos थीटा ही तो आएगा यार, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 होगा ना आत्मा, और v कैप की डायरेक्शन v के अलोंग ही होगी, तो a का कंपोनेंट में लिया v के अलोंग, वेक्टर में पढ़ा होगा तुमने यार, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बस इसी बता रहा हूं, बहुत टफ करना हो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें ही, तुम्हें तुम्हारे सवाल कैसे रहेंगे चंपक टाइप के, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताओ ये बताओ वो बताओ, अरे यार आगे बढ़ते हैं, आइए खेला खेलते हैं, मान लो कि आपको ये सब बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं और अपन बातें करते हैं डायनेमिक्स ऑफ फोर्स है ना, मतलब जो है अब अभी तक हमें ये पता कि भाई अच्छा थीटा होता है ओमेगा होता है एक्सेलरेशन होती है इनका, अच्छा अब ये सब देने के लिए क्या होगा फोर्स की जरूरत होगी, यानी आप हेडिंग डाल सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि फोर्स की बात, फोर्स की बातें यहाँ पे होगी, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डालिए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यहाँ बातें होती है बेसिकली, डेप्थ में बातें हमने है ना ओरिजिनल लेक्चर्स में खूब डेप्थ में बातें की है, यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बातें करते हैं अपन फोर्स की, कि भैया एक्सेलरेशन तो हमने बातें कर दी कि रेडियल होना चाहिए और टेंजेंशियल होना चाहिए, इसमें से रेडियल मस्ट है और टेंजेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम ये बातें करेंगे भैया वो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है ना, कुल मिला के फोर्स की बातें, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अगर एक बॉडी सर्कुलर कर रही है, अगर एक बॉडी सर्कुलर कर रही है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो मस्ट होगी, कौन सी किसी भी पॉइंट
किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी टुवर्ड द सेंटर, टेंजेंशियल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, अगर ये कार ऐसे घूम रही है यूनिफॉर्म रफ्तार से यानी स्पीड से, तो यहाँ पे इसको ये रेडियल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन दे रहा होगा। कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन, जो टायर के ऊपर अंदर की तरफ लगेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें एक ब्लॉक को, अगर आप यहां से रिलीज कर दें, ब्लॉक यहां पे इसके अंदर सर्कुलर करेगा, ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा होगा? इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। अगर आप ये देखिए, अपना ये अपना धरती माता है और ये अपना मून है या फिर ये सन है, और यहाँ अपनी धरती माता है जो कि इसके अराउंड क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। इसको कौन दे रहा है इधर की तरफ एक्सेलरेशन? ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, इसको प्यार से क्या बोला जाता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? उसी तरह से यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है? न्यूक्लियस है। तो क्या ये इसके आसपास घूमता है? मैंने कहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में एक फोर्स लगता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज को डाल दे क्यू बी क्रॉस बी से सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। अच्छा, तो अलग अलग केस में सर्कुलर कराने वाला फोर्स अलग अलग हो सकता है? मैंने कहा अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप ध्यान से देखें, जैसे अगर आप ध्यान से देखें एक धागे से यहाँ एक बॉल को बांध दिया और रिलीज कर दिया, बॉल क्या ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो ये वाला फोर्स कौन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। तो ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीपेटल और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होगा वो अलग अलग रूप में हो सकता है। कभी नॉर्मल हो सकता है, कभी टेंशन हो सकता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, और कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कभी वो फ्रिक्शन हो सकता है। हालात और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग होगा। ये जो टुवर्ड द सेंटर वाली एक्सेलरेशन होती है, इसको प्यार से बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अच्छा, फिर लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्या है? जैसे अपन कभी बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो अगर आप ध्यान से देखें एक बॉडी कर रही है सर्कुलर मोशन, क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसमें मान लीजिए कि AR इस साइड है और AT इस साइड है, बॉडी का मास M है। अगर आप चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं? चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएं, तो आपको क्या लगेगा भाई साहब? आपको क्या लगेगा कि आपकी एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन जब आप न्यूटन साहब के लॉ लगाएंगे तो आपको फोर्स एक्स्ट्रा कंसीडर करना पड़ेगा, एम इंटू ए आर है ना, और एम इंटू ए टेंजेंशियल, या फिर आप ऐसा बोले कि ये आपका ए नेट है, तो इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा एम इंटू ए नेट है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अपन तो सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो ये जो सूडो फोर्स है क्या वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? मैंने कहा हाँ, लेकिन किसका सूडो? अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी सूडो फोर्स है, ये भी सूडो फोर्स है, कौन सा वाला? एम ए टी, और ये रिजल्टेंट सूडो फोर्स है। तो क्या एम ए टी जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? मैंने कहा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, सिर्फ एम इंटू ए आर को ही अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसान भाषा में मास्टर क्या बोल रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली ए सूडो ड्यू टू ए आर, है ना, जो रेडियल एक्सेलरेशन के कारण सूडो आता है उसी को प्यार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। टेंजेंशियल के कारण जो सूडो आएगा उसको सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोलते हैं। तो आप समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो ओनली ड्यू टू ए आर। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सर्कुलर मोशन हुई तब एटी भी आएगा, उसका सूडो भी आएगा, लेकिन उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन बोलने वाले नहीं है। तो आसान भाषा में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड है। एक घोंचू किस्म का सवाल करते हैं। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए 1 kg है। एक और ब्लॉक मान लीजिए, इसका मास क्या है? 1 kg है। मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको ओमेगा इज इक्वल टू 10 rads/s की रेट से इसको घुमा रहा हूं। मान लीजिए ये धागे की लंबाई क्या है? 1 meter है, और ये धागे की लंबाई क्या है? 1 meter है। और मान लीजिए कि यहाँ की जो टेंशन है हमारे लिए वो T1 है, और यहाँ की टेंशन क्या है? T2 है। कोई आपसे बोले कि T1 क्या है, कोई आपसे बोले कि T2 क्या है, कैसे पता करिएगा T1 एंड T2 क्या है? कैसे पता किया जा सकता है कि T1 एंड T2 क्या है? बहुत ही लल्लू सवाल भाई साहब, है ना। अच्छा, कैसे पता करेंगे? बहुत आसान सवाल है। इस 1 kg का FBD बना दीजिए। ये वाले 1 kg को मैंने ये बोल दिया, ये वाले 1 kg को मैंने भी बोल दिया। अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो ये क्या कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ग्राउंड की फ्रेम में बात करें तो इसकी एक्सेलरेशन होगी इधर की तरफ। चीटा बन के अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं
तो भैया इधर की तरफ क्या लग रहा होगा टी वन, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बटा आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होती है वी स्क्वायर बटा आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा यानी 100 हो गया है और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रेडियस क्या है भैया 2 मीटर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे बैठे हुए चीटा को क्या लगेगा ये इक्विलिब्रियम में है, तो टी वन की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई है, टी वन की वैल्यू 200 न्यूटन हो गई है, क्या हो गई है 200 न्यूटन हो गई। अब आप जरा ध्यान से देखें ये टी टू कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाले 1 kg का बी वाले का एपीडी बना दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 kg है, इधर इस पे क्या लग रहा होगा 200 न्यूटन यानी कि टी वन लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा इधर टी टू लग रहा होगा, मैंने कहा अच्छा। और अगर आप ध्यान से देखें चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो सूडो अपने को जो सेंट्रीफ्यूगल वाला काउंट करना है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर की तरफ होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज 100 और आर की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो टी टू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 200 + 100 यानी कि 300 न्यूटन, 300 न्यूटन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा टी टू आ जाएगा, टी वन क्या है 100 है, टी वन क्या है 200 है और टी टू क्या है 300। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, कुछ नहीं करना है एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाना है, यहाँ पे रेडियस अपने पास है 1 और यहाँ पे इसके लिए रेडियस क्या था 2 मीटर। लल्लू सवाल है भैया 3 लगा दो 4 लगा दो ये कर लो, आप बोल रहे हैं वी स्क्वायर बटा आर क्यों नहीं किया, अरे वी इसकी और इसकी अलग अलग ओमेगा सेम होगा, वी इसकी क्या होगी ओमेगा इंटू आर यानी कि इसकी 20 मीटर पर सेकेंड होगी और इसकी होगी ओमेगा इंटू आर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल रफ्तार अलग अलग होगी, ओमेगा दोनों का सेम होगा। रद्दी सवाल भाई साहब हो। अब अगर आप ध्यान से देखें मान लो कि मैं आपको एक सवाल पूछ लू, मान लो कि मैं आपसे एक और सवाल पूछ लू, मान लो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ एक टेबल ले रहा हूँ है ना, एक टेबल है भाई साहब कहाँ लगी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई, कहाँ रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, मान लो कि इससे आर दूरी पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, इसका मास क्या है एम है, ये बंधा हुआ नहीं है जस्ट बता रहा हूं आर दूरी पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक और टेबल के बीच का म्यू मान लीजिए क्या है म्यू है और इस टेबल को कैसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड टेबल घूम रही है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, मैंने कहा अच्छा तो क्या ये भाई साहब जो हैं क्या ये भाई साहब भी सर्कुलर करेंगे, मैंने कहा करेंगे, बताइए भैया कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए तब तक कि ये सर्कुलर करेंगे, और अगर सर्कुलर कर रहे होंगे तो फिर इनको एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा है ना, अगर ये ना ओमेगा मैक्सिमम सो दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। अच्छा भाई साहब सवाल को ऐसे भी बोल सकता था कि मिनिमम ओमेगा बताइए जितना रखा जाए तो भैया यहाँ पे क्या हो जाए स्लाइडिंग हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए स्लाइडिंग हो जाए किसके बीच में ये वाले ब्लॉक और टेबल के बीच में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा अगर आप चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएंगे किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे, अच्छा अगर आप सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे तो आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर लग जाएगा, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये मैं ओमेगा मैक्स एक पर्टिकुलर ओमेगा की बात कर रहा हूँ, ये एक्सलरेट नहीं हो रहा है यानी ओमेगा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि जीरो है ओमेगा पहले और बाद में अल्फा दिया हुआ है तब आपके पास रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों एक्सलरेशन आएगी इस वाले सर्कुलर में, लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा सिर्फ रेडियल आएगी है ना, अरे आपकी नहीं यार अल्फा अल्फा नहीं है कोई पर्टिकुलर ओमेगा की बात कर रहे हैं अपन है ना। अच्छा अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो इसको कौन क्यों स्लिप होने से रोक रहा है फ्रिक्शन रोक रहा है, इनफैक्ट ये अगर सर्कुलर कर रहा होगा तो उसके लिए रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि जो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स है वो कौन दे रहा है फ्रिक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है फ्रिक्शन दे रहा है, और यहाँ पे बैठे हुए चीटा के लिए हमने सूडो काउंट कर लिया है क्योंकि हमारे इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर था, हमने सूडो काउंट कर लिया है ओमेगा स्क्वायर आर फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होना चाहिए फ्रिक्शन आपका होना चाहिए
एम ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये कैसा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसकी एक औकात होती है, क्या होती है वो औकात, म्यू इनटू एन। ये मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। और इस पर्टिकुलर केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लल्ला mg हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें तो n ने m की बत्तियां गुल कर दी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई r का रूट, म्यू जी डिवाइडेड बाई r का रूट। यानी कि ओमेगा जो मैक्स हो सकता है, ओमेगा जो मैक्स हो सकता है वो है अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाई r, अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाई आर है। ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तब तक रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। इससे भी ज्यादा ओमेगा रखोगे तो ये बाहर की तरफ कट लेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जब हमने आपको पहले पढ़ाया था ऐसे प्राण घात निकालने हो तो पहले बोल दो कि ओमेगा जीरो था, ओमेगा जीरो था अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से, मान लो कि एक्सेलरेट हो रही होगी, तो बताइए कौन से टाइम पे रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। थोड़ा टफ साइड का सवाल हो जाएगा, नींद से ऊपर निकल जाएगा, पता कर सकते हैं, है कि नहीं यार। तब क्या करेगा, मैं कहता हूं रेडियल भी आएगी, टेंजेंशियल भी आएगी। रेडियल तो किसी भी टाइम पे ओमेगा स्क्वायर आर होगी, टेंजेंशियल मैंने कहा अल्फा इंटू आर होगी, नेट फोर्स इधर आएगा और वो दे कौन रहा होगा, मैंने कहा वो म्यू एम जी दे रहा होगा। जब तक वो नेट फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी के जस्ट बराबर हो जाएगी उस वाले पॉइंट पे रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टफ सवाल है, हमें इसकी कतई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूब सारे सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि भैया सवालों में मतलब फोर्स निकालने की बातें होगी जो सर्कुलर के लिए जिम्मेदार होंगे, रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में, रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो भैया डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगी, क्या हो गई ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगी। अब आपको अगर आप ध्यान से देखें, और आपसे मैं पूछूं कि यार मतलब है ना एक पेंडुलम है, ये क्या है मेरे पास, पेंडुलम है, मैंने क्या किया है, मैंने उसको एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके गया। क्या, कहां पे लेके गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके गया। मान लो कि ये एंगल क्या है, थीटा नॉट है, मैंने यहां से इस वाले पेंडुलम को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये पेंडुलम आ गया है यहां पे, है ना, यहां से रिलीज किया था मैंने t इज इक्वल टू जीरो पे, यहां पे आ गया है t इज इक्वल टू t पे, एंगल था थीटा नॉट जो कि घटते घटते क्या हो गया है, थीटा हो गया है। आपसे बोला जाए कि t इज इक्वल टू t पे इस पेंडुलम पे लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन बताएं, इस वाले पेंडुलम पे लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन बताएं। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये एट है, कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है। इस पॉइंट पे ये जो बॉब है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। आप बोले साहब यहां से यहां तक ये हो तो भाई कुछ रफ्तार तो आ गई होगी, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन ऐसी रही होगी, बाकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती हुई दिखाई आपको दे रही होगी, यहां जीरो थी यहां मैक्सिमम हो जाएगी। ओ तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल के आसपास। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये AR इस साइड होगा, AT इस साइड होगा, नेट A नेट इस साइड होगा, तो नेट फोर्स जो है नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा ना यार, तो ज्यादा संभावना है कि वो 5 की डायरेक्शन में आएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स, क्या सवाल था, इस पर्टिकुलर केस पे बॉब पे लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपके साथ सामने ऑप्शन था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोस्ट प्रोबेबल जो डायरेक्शन आएगी, मतलब जो मोस्ट क्या हुई, इसी डायरेक्शन में आएगा ना यार, 5 की डायरेक्शन में ही आएगा, है ना, उधर इधर थोड़ी आएगा, इधर थोड़ी आ सकता है। हो वक्त देख लेते हैं अपन, हमको लगता है कि आज के लेक्चर में अपन ने बहुत सारी बातें कर ली है, बाकी आप खूब सारे प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन डीपीपी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बातें करते हैं कोनिकल पेंडुलम की, किसकी, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम आपने खूब सारे पढ़े होंगे, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्सिनल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, है ना, वो बाकी वाले पेंडुलम कहां पढ़ेंगे, कहां पढ़ते हैं अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं, लेकिन कोनिकल पेंडुलम जो है, कोनिकल पेंडुलम जो है ये अपन बात करेंगे यहां पे, क्योंकि इसका जो वॉब होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना, इसको घुमाएंगे ऐसे टक से, इसको घुमाएंगे, रफ्तार दे देंगे वी, मास एम, है ना, तो भैया ये घूमेगा टक 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 टक,
ऐसे करेगा सर्कुलर मोशन ओरिजेंटल, तो अपन बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम की। कोनिकल पेंडुलम की टाइम पीरियड वगैरह की बात करेंगे। कोनिकल पेंडुलम हो जाएगा भाई साहब नेक्स्ट वाली क्लास में। कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं सेफ स्पीड। सेफ स्पीड की बातें करेंगे कहां पे। एक तो सेफ स्पीड जो है वो आपका फ्लैट सरफेस पे और फिर बैंक सरफेस पे, ताकि आप टर्न ले पाए, है ना। बैंकिंग ऑफ कर्व्स का क्या योगदान है, कैसे काम आता है वो सेफ स्पीड को बढ़ाने में। और एक एक चीज और की बात करेंगे कि भैया ये तो जरूरी है कि आप पर स्लिपिंग रोक दें, बट बगैर स्लिप हुए टर्न ले लें, पर ऐसा भी तो हो सकता है कैसा कि टपल मार मार जाए, है ना। तो मतलब जो है ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करना है, यानी कि अगर आपको गाड़ी को चलाना है तो भैया स्लिप होने से थोड़ी रोकना, पलटी खाने से भी तो रोकना है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि टर्न ले रहे हो आप, गाड़ी स्लिप नहीं हो, पलटी खा जाए, तो क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड हो सकती है। ग्राफ डिवाइडेड बटा एच जी आर ए डिवाइडेड बाई एच एच ए, इस तरह के डेरिवेशन हमने पहले भी किए हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। देन अपन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बढ़ जाएंगे। खूब सारी बातें करते हैं नेक्स्ट वाली आने वाली क्लास में अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने जो पढ़ाया है इसमें हॉरिजॉन्टल के खूब सारे सवाल, तमाम किस्म के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज हमने बातें की है, बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो, है ना, अगर आपके पास टाइम है तो सर्कुलर मोशन के लेक्चर्स बनाए गए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप मास्टर का नाम और टॉपिक दक्षिणा ई क्लासरूम लिखिएगा तो वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपको लगे तो मतलब देख सकते हैं, मैं जस्ट उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको और अच्छे से चीजें सीखनी है। बाकी आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल, जो रिविजन डीपीपी आपको दी गई है, यानी कि जो बुकलेट आपको दी गई है उसको सॉल्व करने का, पेपर को सॉल्व करने का, और मास्टर के साथ सारे डाउट्स को डिस्कस करने का। दैट्स ऑल। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।